गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से हाजिर हूँ अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर आप सबके बीच में। तो आज है 7 मार्च, देखते हैं क्या है हमारे पास। पहले हम बात करेंगे 5 मार्च को हर साल निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्पेशली युवाओं, निरस्त्रीकरण, अप्रसार और हथियार प्रतिबंध शीर्षक वाले एक प्रस्ताव को पारित किया गया और ये डिसाइड किया गया कि हर साल जो है इस टॉपिक पर एक डे सेलिब्रेट करेंगे जिसका नाम रखेंगे निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और आपको बता दें कि स्पेशली इसमें जिन लोगों को शामिल किया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसके अकॉर्डिंग संयुक्त राष्ट्र के जितने संगठन हैं, शिक्षाविद हैं, मीडिया हैं, वो व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो बहुत ज्यादा प्रख्यात हैं, उनको शामिल किया जाएगा और लोगों के बीच में एक सार्वजनिक जागरूकता फैलाई जाएगी किस चीज को लेकर। हथियारों का जो इस्तेमाल है उसको कम करने के लिए, जो युद्ध की प्रक्रिया है उसको खत्म करने के लिए, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, और स्पेशली युवाओं पर फोकस किया गया कि युवाओं के बीच में ऐसी भावनाओं को पैदा किया जाए। अब हम बात करेंगे विनोद कुमार शुक्ला जी के बारे में। हमारे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि विनोद कुमार शुक्ला जी जो हैं उनको साहित्य का पेन या जिसको हम नाबो को पुरस्कार कहते हैं वो प्राप्त हुआ है। अगर हम विनोद कुमार शुक्ला जी के बारे में बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ लेखक और प्रख्यात हिंदी साहित्यकार हैं और जिनको ये 2023 के लिए प्रतिष्ठित पेन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला है। अच्छा, जो ये जो पेन पुरस्कार है इसमें $50,000 यानी लगभग 41 लाख रुपए मिलेगा। और साथ में ही आपको बता दें कि ये भारत ही नहीं, एशियाई मूल के पहले हिंदी साहित्यकार हैं जो जिनको ये साहित्य जो पुरस्कार है पेन साहित्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विनोद शुक्ला जी के प्रमुख उपन्यासों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेगा, दीवार में एक खिड़की रहती है, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी, ऐसे कई सारे इनके उपन्यास हैं। देखिए, पेन या नाबो को जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उसको स्टार्ट किया गया था अमेरिका के ओपेरा सिंगर और अनुवादक थे जिनका नाम था दिमित्री नाबा को, उनके द्वारा इस अवार्ड को स्थापित किया गया था। और अभी आज के टाइम में व्लादिमीर नाबो को फाउंडेशन के द्वारा इसको वित्त पोषित किया जाता है। इस पुरस्कार की जो स्थापना है वो 2016 में पेन अमेरिका द्वारा व्लादिमीर नाबो को जो लिटरेरी फाउंडेशन है उसके सहयोग से स्थापित किया गया था, जिसका ये मोटिव होता है कि वो लेखक जो जीवित हैं उनको सम्मानित किया जाए, है ना। और ये पुरस्कार अमेरिका के द्वारा द्विवार्षिक रूप से लेखकों, मुख्य रूप से उपन्यासकारों को प्रदान किया जाता है, मतलब स्पेशली जो उपन्यास लिखते हैं उन साहित्यकारों को प्रदान किया जाने वाला ये पुरस्कार है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिकेटर कायरन पोलार्ड के बारे में, जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। T20 क्रिकेट के इतिहास में 12,000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं, अपने आप में रिकॉर्ड है ये। अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं कि T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है तो वो बनाया गया है क्रिस गेल के द्वारा, और T20 में 800 छक्के लगाने का वाले भी ये दूसरे क्रिकेट बन गए हैं। अच्छा, ये इन्होंने रिकॉर्ड कब बनाया है तो पाकिस्तान सुपर लीग हो रहा है पाकिस्तान में, तो वहां पर इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। अब हम एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जो प्रस्तुत की गई है NSO के द्वारा। NSO का मतलब क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। और ये बताया गया है कि जो भारत के प्रति व्यक्ति आय है वो 2014 और 15 से बढ़कर 22 और 23 तक कितनी हो गई है? दोगुनी हो गई है। और ये बोला गया है कि जो प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम शुद्ध राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, वो 22-23 में 1,72,000 रुपए होने का अनुमान है, जो 2014-15 में 86,647 रुपए से अधिक है और जो लगभग 99% की वृद्धि का संकेत दे रहा है। और ये भी बोला गया है कि अगर हम स्थिर मूल्य में प्रति व्यक्ति आय के बारे में अगर देखते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि प्रति व्यक्ति आय 14 और 15 में 72,805 रुपए के करीब था और अब जो है 22-23 में 35% बढ़कर लगभग 98,118 रुपए हो गया है। और ये जो 14 और 15 के बीच में जो वास्तविक अवधि में जो आय की औसत वृद्धि हुई है, तो वो अगर हम देखते हैं तो हर वर्ष
5.6% की वृद्धि देखने को मिलती है। यानी हर साल जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें हमें 5.6% की वृद्धि देखने को यहाँ पर मिल रही है। देखिए भारत में क्या है कि बहुत लोग गरीब हैं, जो मीडियम आय वर्ग के लोग भी हैं, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास भारत का बहुत ज्यादा पैसा है। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय भारतीयों की औसत आय है, और जो आय का वितरण है वो क्या है, बिल्कुल असमान है ना। और भारतीय विश्व जो भारत है वो विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, ये बात हम सबको अच्छे से पता है। एक रिपोर्ट दी गई थी, अनुमान लगाया गया था किसके द्वारा, आईएमएफ के द्वारा। तो आईएमएफ ने कहा था कि भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ गया है, यानी पहले दुनिया की जो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी वो ब्रिटेन थी, तो ब्रिटेन को पीछे छोड़कर जो ब्रिटेन का स्थान है वो भारत ने ले लिया है, ठीक है। और भारत से ऊपर अब सिर्फ चार ऐसे देश हैं जिनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो भारत से ऊपर हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है, फिर चाइना आता है, फिर जापान आता है, फिर जर्मनी आता है, ठीक है। और जबकि एक दशक पहले, यानी लगभग एक दशक का मतलब लगभग 10 साल पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था थी विश्व के जितने भी देश हैं उसमें 11वें स्थान पर थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आईएलओ यूनेसेफ ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि भारत के 31 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना को लागू किया है। ये आईएलओ यूनेसेफ के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। पीएम जब केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का मतलब है, एक ऐसी योजना थी जो कोविड-19 के टाइम चलाई गई थी उन बच्चों के लिए जिनके माता और पिता दोनों की डेथ हो गई है, माता या पिता में से किसी एक की डेथ हो गई है, या किसी के संरक्षण में रह रहे हैं बच्चे उसकी डेथ हो गई है, तो उन बच्चों को सुरक्षित करने के लिए, सामाजिक सुरक्षा करने के लिए और उनका विकास करने के लिए एक योजना चलाई गई थी भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा। आईएलओ और यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है देख लेते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है वो दुनिया भर के जो देश हैं उन सभी देशों का अध्ययन किया गया और बताया गया कि लगभग दुनिया के 2.4 बिलियन जो बच्चे हैं उनको पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है, यानी अभी आवश्यकता है, अभी उनकी जो जरूरतें हैं वहां तक पहुंची नहीं है। जीरो जो ये क्राइटेरिया तय किया गया है उसमें 0 से 18 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको शामिल किया गया है, और ये बोला गया है कि 0 से 18 वर्ष की आयु के जो लगभग 1.77 बिलियन बच्चों को बच्चे या पारिवारिक नगद लाभ तक पहुंच की कमी है, यानी अभी भी 1.77 बिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनको जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है। देखिए अगर हम भारतीय संदर्भ में पीएम केयर योजना के बारे में बात करते हैं तो ये जो योजना है 29 मई 2021 को स्टार्ट करी गई थी स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता कोविड-19 का जो टाइम पीरियड था उसमें उनकी डेथ हो गई थी, या जो अभिभावक थे, या जिन्होंने बच्चों को संरक्षित कर रखा था, या फिर दोनों माता पिता की या माता पिता में से किसी एक की डेथ हो गई है, तो ऐसे बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक स्कीम चलाई गई थी जिसका नाम था पीएम केयर्स योजना। अच्छा अब हम बात करेंगे, हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उनके बारे में, जिन्होंने 5 मार्च को बीकानेर में जो राजस्थान में है वहां पर एक ऊंट उत्पाद प्रसंस्करण उपयोग और प्रशिक्षण विंग का उद्घाटन किया है, स्पेशली ऊंट के महत्व को बताने के लिए और ऊंट को संरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है। अगर हम ICAR के बारे में बात करें तो जो बीकानेर कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कहता है तहत एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र और एक स्वायत्त संगठन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दुनिया के समुद्री निकायों की रक्षा के लिए पहली बार संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, तो वहां पर 4 मार्च को एक संधि पर समझौता किया गया और हस्ताक्षर किया गया जिसका नाम रखा गया हाई सी ट्रीटी। ये क्या है, तो स्पेशली जो महासागर हैं, दुनिया के जो महासागर हैं उनकी रक्षा के लिए ऐसा किया गया है, स्पेशली वो महासागर का वो वाला पार्ट जो राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर स्थित है। जो ये संयुक्त राष्ट्र हाई सी ट्रीटी है इसके माध्यम से
स्पेशली समुद्र का वो हिस्सा जो उच्च समुद्र जिसको हम कहते हैं यहाँ, यानी जहां पर हम मछलियां पकड़ते हैं या जो भी हम गतिविधियां समुद्र से रिलेटेड करते हैं, उस एरिया को हम उच्च समुद्र कहेंगे। तो स्पेशली उस एरिया को संरक्षित करना, उसका मैनेजमेंट करना और ये डिसाइड करना कि कितनी मछलियां एक दिन में पकड़ी जा सकती हैं, है ना। और साथ साथ में 30% महासागरों को संरक्षित क्षेत्र में लाया गया है इस संधि के माध्यम से। इसके बाद उच्च समुद्र के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्पेशली जो राष्ट्र की सीमाओं को पार करने वाला अंतर्राष्ट्रीय जल निकाय है, उसके लिए स्पेशली ये संधि करी गई है ना। और लगभग दुनिया के जो महासागर है उसका लगभग 2/3 हिस्सा इस तरीके का है, जहां पर, और साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी हम समुद्र से संबंधित गतिविधियां करते हैं, जैसे मछली पकड़ने का, जहाज चलाने का, अनुसंधान करने का, तो उस एरिया को हम उच्च समुद्र वाला एरिया कहेंगे। अगर हम संकटग्रस्त समुद्री प्रजातियों के बारे में बात करें, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार लगभग 10% समुद्री प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है, ऐसा बताया गया है इस रिपोर्ट में। और साथ ही लगभग 41% जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होती हैं प्रजातियां, और कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसे कि शेलफिश, शार्क और वेल समुद्री भोजन और दवाओं के रूप में उपयोग के कारण उच्च दबाव में हैं। मतलब हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं भोजन के लिए, दवाओं के लिए, तो धीरे धीरे इनकी प्रजातियां क्या होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। देखिए, खोज की गई है वैज्ञानिकों के द्वारा, और क्या बताया गया है, वैज्ञानिकों ने क्या बोला है कि अब पृथ्वी के कोर में पांचवी परत का अस्तित्व है और इसकी पुष्टि कर दी गई है। मतलब अभी तक हमने पृथ्वी की परत में कितनी परतें पढ़ी थी, चार परतें पढ़ी थी, ठीक है ना। वो चार परतें कौन कौन सी है देख लेते हैं, और पांचवी परत किसकी खोज की गई उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो अब तक हमने सिर्फ चार परत पढ़ी थी पृथ्वी के बारे में, कि जो पृथ्वी का सबसे आउटर एरिया है, बिल्कुल जो ऊपरी हिस्सा है, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट के बाद मेंटल आता है, उसके बाद बाहरी कोर आता है, फिर आंतरिक कोर आता है। अब बोला जा रहा है कि आंतरिक कोर के बीच में भी एक ठोस पदार्थ है, एक ठोस परत है, जो परत स्पेशली लोहे से और निकल से बना हुआ है, और एक धातु की गेंद की तरह है, ऐसा भी बताया जा रहा है। और वो धातु की गेंद में कौन से धातु है, तो लोहा है और निकल है ना। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो पुष्टि की गई है, और इसके, ऐसा नहीं है कि तुरंत कर दी गई है, बहुत साल पहले यानी लगभग 20 साल पहले भी जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि धातु की गेंद है, और उसकी परिकल्पना की गई थी वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन पुष्टि नहीं की गई थी। पुष्टि कब करी गई है, अभी करी गई है। ये जो अध्ययन है इसका निष्कर्ष प्रकाशित हुआ है जनरल नेचर कम्युनिकेशन के माध्यम से, और उसमें ये बात कही गई है। स्पेशली ये कहा गया है कि जब हमने, मतलब वैज्ञानिकों ने भूकंप से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के बारे में जब पढ़ा, और पृथ्वी के आंतरिक कोर से सबसे गहरे हिस्से के बारे में नई अंतर्दृष्टि का खुलासा हुआ है, यानी जब भूकंप आया तो उसके बाद जब उसका अध्ययन किया गया, तो पृथ्वी का जो बिल्कुल आंतरिक कोर है, आंतरिक कोर के सबसे गहरे हिस्से के बारे में उनको पुष्टि मिली थी या उनको जानकारी मिली थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के बारे में, जिनको 2023 के प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। और ये बताया गया है कि आलिया ने RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी और ब्रह्मास्त्र में शानदार प्रदर्शन के बाद इस सूची में, ये जो सूची है उसमें शामिल हुई हैं। अब हम बात करेंगे प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, जिन्होंने अपना नया MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है, किसे, पंकज गुप्ता को। और पंकज गुप्ता किसकी जगह लेंगे, तो पंकज गुप्ता कल्पना संपत की जगह लेंगे जो पिछली MD और CEO हैं। इस नियुक्ति को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण और प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था इनका नाम, और इसके बाद इन्होंने जगह ले ली है कल्पना संपत की। देखिए, अब हम बात करेंगे तेजल मेहता के बारे में। तेजल मेहता भारतीय मूल के नागरिक हैं, अमेरिकी नागरिक हैं, और उनको अमेरिका राज्य का जो मैसाचुसेट्स है वहां का जो अयर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर पहली मैन जो न्यायाधीश है उसके रूप में इनको नियुक्त किया गया है ना। और साथ ही आपको बता दें कि जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्ट्रेसी फोर्स ने 2 मार्च को उन्हें शपथ दिलाई थी। चन्नागिनी के भाजपा विधायक है मदल, वीरूपक्षपा के पुत्र है
प्रशांत मदल, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। और सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि लोकायुक्त के द्वारा इस भ्रष्टाचार के मामले की जांच की जाएगी। काफी ज्यादा सुर्खियों में है ये न्यूज़। कर्नाटक में सरकार ने चन्नागिरी के भाजपा विधायक मदुल वीरूपक्षपा के पुत्र हैं प्रशांत मदल, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच लोकायुक्त के द्वारा स्वतंत्र रूप से कराने की मांग करी गई है और कराया जाएगा। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लोकायुक्त की फिर से स्थापना की है। देखिएगा, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 63 के अनुसार प्रत्येक राज्य राज्य के लिए लोकायुक्त नाम के एक निकाय की स्थापना करेगा। यानी इस धारा में ये बताया गया है कि हर राज्य में एक लोकायुक्त नाम का एक निकाय होगा जो स्पेशली भ्रष्टाचार के मामले पर काम करेगा, सार्वजनिक शिकायतों की त्वरित निवारण करेगा और स्पेशली भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के आरोपों की जांच करेगा। ठीक है ना, लोक सेवकों के खिलाफ, यानी जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो सरकार में है उनके खिलाफ अगर कोई आरोप लगता है तो उसकी जांच करने का काम ये करेगा। और केंद्रीय कानून लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 प्रत्येक राज्य में एक लोकायुक्त की नियुक्ति को अनिवार्य बनाता है, तो इसी के तहत लोकायुक्त की नियुक्ति करी जाती है। अच्छा, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम। तो संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त, यानी जो संघ है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए लोकपाल और जो राज्य है उनके लिए लोकायुक्त की स्थापना किया जाता है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के माध्यम से। अच्छा, इसकी अगर हम बॉडी के बारे में बात करें तो ये संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय है, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके सदस्य कौन से होंगे, तो स्पेशली इसमें 8 सदस्य होंगे जिसका जो अध्यक्ष होगा वो भारत का पूर्व न्यायाधीश होगा या फिर सर्वोच्च न्यायालय का कोई पूर्व न्यायाधीश होगा या मुख्य न्यायाधीश होगा या फिर प्रकांड योग्यता या प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें से कम जो 50% का जो के जो सदस्य हैं वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और महिला श्रेणी से होने चाहिए। और जो 50% का जो एरिया है यानी 50% जो इसके मेंबर हैं वो स्पेशली न्यायिक सदस्य होने चाहिए, यानी वकील होने चाहिए या न्यायाधीश होने चाहिए। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में, जहां पर महाराष्ट्र राजमार्ग पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर बनाया जा रहा है। दुनिया का पहला है ये, ठीक है। महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर और यवतमाल जिला है उसको जोड़ने के लिए जो राजमार्ग है वहां पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया जाएगा, है ना। और इसकी पुष्टि कर दी गई है, इसकी स्थापना की और इसकी जांच भी करा गया है प्रॉपर। और जांच के बाद में ही इस तरीके का जो बांस क्रैश बैरियर है वो बनाया जाएगा। और आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र का मुंबई है वहां का बड़ा पाव सैंडविच के क्षेत्र में 13वें स्थान पर है, जो हमने कल की न्यूज में पढ़ा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूस और भारत के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान करेगा। रूस कह रहा है कि भारत के लिए जो वीजा प्रक्रिया है उसको आसान करेगा। और ये किसने बोला है, तो रूस के उप विदेश मंत्री हैं येवगेनी इवानोव, उनके द्वारा कहा गया है। अब भारत के साथ साथ 5 और देश हैं जिनके लिए ये जो जो प्रक्रिया है वो रूस करेगा। जैसे वो देश कौन से है देख लेते हैं, तो अंगोला है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, सीरिया है और फिलीपींस है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार थे जिनका नाम था षष्ठीपद चट्टोपाध्याय, उनका 82 ईयर के एज में निधन हो गया है। और ये एक बंगाली उपन्यासकार थे और लघु कथा लेखक थे। साथ में इनके जो सबसे प्रसिद्ध रचना थी जिन्होंने इनको बहुत फेमस बनाया वो कौन सी थी, तो वो थी पांडव गोएंडा, यानी 5 जासूस की श्रृंखला इन्होंने बनाई थी और इससे ये काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 2017 में इन्हें बाल साहित्य में जो इनका योगदान रहा है उसके लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कोई स्टडी ग्रुप है जहां पर आप इसको शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज मेरी मदद करिए और चैनल को शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।